अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टूर। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक यूनिक टाइप की खीर, जिसका मैंने नाम रखा है दिले बहार। आप ज़रूर देखना और ज़रूर ट्राई करना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने दूध को गर्म कर दिया था एक उबाल आने तक। फिर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क मेड। मैंने एक कैन मिल्क मेड डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीन लीटर दूध है ये, तो वन कैन मिल्क मेड मैंने डाला है इसमें और वन कप शुगर मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खोवा यानी मावा। पाव केजी मावा मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे ज़ाफ़रान यानी केसर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे केसर का स्वाद बहुत अच्छा आता है, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो इसमें एसेंस भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था काजू बादाम और पिस्ते का, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूंगी सेवैयां। और मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसको एक उबाल आने के लिए रख देंगे। एक उबाल आने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे लिया है कॉकटेल का कैन और ये मैंने सब्जी के बीज को भिगा लिया था। खीर रूम टेम्परेचर पे ठंडी होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जी के बीज। हम एक बाउल लेंगे, खीर ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम अब इसमें डालेंगे कॉकटेल फ्रूट्स, और आपके पास फ्रेश फ्रूट्स है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जेलीज। मेरे पास रेड कलर की जेली, स्ट्रॉबेरी की जेली अवेलेबल थी, मैंने वो डाला है। आप चाहे तो और दूसरे भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन। अब हम इस पे थोड़े से केसर डाल देंगे। ये देखिए खीर बन करके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस यम्मी खीर बन करके तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह खीर। ये देखिए जेलीज, कॉकटेल, सेवैयां और सब्जी के बीज और गुलाब जामुन। मैंने इसमें बहुत सारे आइटम्स डाला है, इसलिए मैंने इसका नाम दिले बहार रख दिया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।